Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum, Voice of America, Washington से मैं हूँ सारा जमान। अमेरिकी वजीर खारिजा रेक्स टिलरसन कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के सामने इस वक्त क्या चैलेंजेस खड़े हैं, इस पर हम बात करेंगे आज के शो में व्यू 360 में। और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। अमेरिका में नफरत पर मबनी जराइम में इजाफा कैसे रोका जाए। I introduced legislation to create a hate crimes commission. Men and women of Raqqa is being slaughtered silently. शाम में गैर पेशावर सहाफी किन खतरात से गुजरकर हकायक जमा कर रहे हैं। और लाहौर का पानी वाला तालाब जो अंग्रेजों के जमाने से शहरियों की प्यास बुझा रहा है। अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन आज अफगानिस्तान में हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम इस वक्त काबुल से हमारे साथ हैं। आयशा, वेलकम टू व्यू 360। ये बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास अमरीकी वजीर खारजा के इस दौरे की? जी सारा, अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन बिल्कुल अनअनाउंस्ड एक खुफिया किस्म के दौरे पर आज काबुल में थे। मेरा अंदाजा है कि अब तक वो काबुल से जा चुके हैं, इसी वजह से ये खबर हमें मिली है कि वो काबुल में थे। प्रेसिडेंट अशरफ हनी से मुलाकात की, सीईओ अब्दुल्ला से मुलाकात की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हनीत अतमार से मुलाकात की, और अब यूएस एम्बेसी काबुल की एक स्टेटमेंट भी सामने आ गई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सेक्रेटरी ने जो प्रेसिडेंट ट्रंप की नई साउथ एशिया पॉलिसी है उस पर भी बात की, और उन्होंने ये क्लियर किया कि अमरीका जो है वो कमिटेड है ना सिर्फ अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए बल्कि खत्ते में तमाम पार्टनर्स के साथ अफगानिस्तान में एक तो अमन और इस्तेकाम लाने के लिए, और दूसरी बात जो अहम है कि उन तमाम दहशतगर्दों को जो उनके एग्जैक्ट अल्फाज हैं मैं आपको बताती हूँ, डिनाइड सेफ हेवन टू टेररिस्ट हू थ्रेटन दैट गोल, यानी खत्ते में वो दहशतगर्द जो इस गोल की राह में हायल हैं उनको सेफ हेवंस उनको डिनाई करने के लिए अमेरिका जो है वो पूरे तौर पर अफगानिस्तान और खत्ते में एलाइज के साथ मिलकर काम करेगा। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने दोबारा कहा कि अफगानिस्तान में जो रिफॉर्म्स होना जरूरी हैं उनके लिए ज्यादा फोकस के साथ काम किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आयशा तंजीम आपका। आप काबुल से हमारे साथ थी और हमारे कल के शो में भी हम इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अमरीकी वजीर खारजा अब साउथ एशिया का दौरा अपना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले वो अपना मशरिक़ वुस्ता का दौरा मुकम्मल कर रहे थे कतर और सऊदी अरब की क़यादत से मुलाकातों में, जहाँ सेक्रेटरी टिलरसन ने खलीजी ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात को फरोग देने की बात की। वहीं उन्होंने खित्ते में ईरान के असर रसूख को खुले लफ्जों में तनकीद का निशाना भी बनाया। नदीम याकूब इस वक्त हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। नदीम, सेक्रेटरी टिलरसन ने मशरिक़ वुस्ता के लीडर्स को क्या पैगाम दिया है? जैसा कि आपने कहा, रेक्स टिलरसन गुज़श्ता दो रोज़ के दौरान उन्होंने सऊदी अरब और कतर का दौरा किया और वहाँ पर उनके जो अहम मुल्कों के रहनुमा हैं उनसे मुलाकात भी की। दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, रेक्स टिलरसन ने कुछ मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि उनकी जो मुलाकातें हुई हैं सऊदी रहनुमाओं से, उनसे लगता है कि सऊदी अरब के जो हुकाम हैं वो कतर के साथ जो उनकी कशीदगी कई माह से जारी है उसको कम करने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। जो इसका दूसरा अहम उनके दौरे का मकसद है वो ईरान के बढ़ते हुए असर रसूख को कम करने के लिए इराक और सऊदी अरब को करीब लाना है, उनके दरमियान तआवुन पैदा करना है। इस हवाले से वहाँ पर क्या पेशरफ्त हुई है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेक्स टिलरसन ने कतर और उसके पड़ोसी ममालिक पर जोर दिया कि वो आपस के इख्तलाफात दूर करें। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में की जाने वाली सफारती कोशिशों में अमरीका मदद फ्राहम करने के लिए तैयार है। खलीज में तनाजे को 5 माह होने को है और अमरीका को आज भी उतनी ही तशवीश है जितनी के आगाज में थी। इस तनाजे में मुलव्वस ममालिक को माशी और अस्करी लिहाज से मनफी नताइज भुगतने पड़े हैं और अमरीका पर भी यकीनन इसके असरात मुरतब हुए हैं। खलीजी ममालिक और मिस्र कतर पर इल्जाम लगाते हैं कि वो ईरान के हमायती अस्करियत पसंदों की पुश्त पनाही करते हैं। दोनों ममालिक इन इल्जाम को मुस्तरद करते आए हैं।
ईरान इराक और शाम में ऐसे जंगजुओं को मदद फ्राहम करता रहा है जो दाएश के खिलाफ लड़ते रहे हैं, मगर वो दहशतगर्द तंजीम हमास और यमन में बागियों को भी इमदाद फ्राहम करता रहा है। इतवार के रोज इराक और सऊदी अरब ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयां करने के लिए एक राबता कमेटी तश्कील दी है। तिलसन ने इस कमेटी के इजलास में शिरकत की। यकीनन इराक में अब चूंकि दाइश के खिलाफ लड़ाई इख्तिताम को पहुंच रही है तो ईरानी जंगजुओं को वहां से अपने घरों को वापस चले जाना चाहिए। इराक में मौजूद बैरूनी ममालिक से आए हुए तमाम जंगजुओं को अपने घर लौटने की जरूरत है ताकि इराकी अवाम आज़ाद कराए जाने वाले इलाकों का कंट्रोल दोबारा अपने हाथ में ले सकें और अपनी जिंदगी को असर नौ बहाल कर सकें। इराक और सऊदी अरब के दरमियान तआवुन की फिजा कई अशरों के तनाव के बाद पैदा हुई है और इसमें इराक में तमीर नौ के बारे में माली तआवुन भी शामिल है। दोनों ममालिक के लोग आपस में करीब आना चाहते हैं जैसा कि वो सदियों से रहे हैं। इराक के वजीर आजम हैदर अल आबादी ने भी ऐसे ही जज्बात का इजहार किया है। दाइश से कब्जा छुड़ाने के बाद इराक मुल्क में इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश में है, मगर शुमाली इराक में कुर्दों की जानिब से अलग रियासत के क्याम के ऐलान से खित्ते में एक नया तनाव पैदा हो गया है। इराक के वजीर आजम अल आबादी की जानिब से जो रेक्स टिलरसन का बयान था ईरानी जंगजुओं के बारे में, उसको तनकीद का निशाना बनाया गया है और उनके प्रेस ऑफिस से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि किसी भी पार्टी को इराक के जो अंदरूनी अंदरूनी मामलात हैं उनमें मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानब जो ईरान के वजीर खारजा हैं जवाद ज़रीफ, उन्होंने भी अपने एक ट्विटर के पैगाम में कहा है कि अगर जो ईरानी मलेशिया है वो इराक में कुर्बानियां नहीं देती तो आज बगदाद और दमिश्क पर आइसिस जो है वो हुकूमत कर रही होती। जी सारा, बहुत शुक्रिया नदीम याकूब, हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। नदीम, थैंक यू फॉर दिस राउंड अप। और अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन अगले कुछ घंटों के दौरान पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और जहां पे दो तरफा ताल्लुकात को मामूल पर लाने की एक कोशिश में इस दौरे को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद में बैन अल-अक़वामी उमूर के माहरीन क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं इश्तियाक अहमद। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हाल ही में आला सतही राब्तों में इजाफा हुआ है। इसी सिलसिले में अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन के दौरे को हुकाम और मुबसरीन अहम करार दे रहे हैं। अमेरिका में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं, एजेंसीज हैं जो अपने अपने इनपुट्स देती रहती हैं, लिहाजा एक अभी थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजन का कुछ शिकार हैं लोग। कायदे आजम यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स और बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के डायरेक्टर डॉक्टर नज़ीर हुसैन कहते हैं कि इस आला सतही दौरे से न सिर्फ एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी बल्कि बर्फ भी पिघलेगी। ठीक है, हमारी एक आवाज़ है, कौमी आवाज़ है, पार्लियामेंट से आवाज़ उठ रही है कि अमेरिका के साथ ये करें ये करें ये करें, लेकिन मामला ये है कि आप एंगेज करेंगे तो कुछ होगा ना, आप डिसएंगेज टोटली हो जाएंगे तो फिर आप ना कोई अपनी बात उनसे बता सकते हैं ना कर सकते हैं। जैसे अभी वो जो एक फैमिली को बाजियाब कराने का है, बहुत बड़ा इकदाम है। आप देखें ट्रंप की पॉलिसी जो शुरू के ट्वीट से और आपका ट्वीट से जमीन आसमान का फर्क है। अमरीका में तैनात पाकिस्तान के साबिक सफीर अशरफ जहांगीर काजी कहते हैं कि अगर तारीखी पस मंजर में भी देखा जाए तो किसी भी अमरीकी वजीर खारजा के दौरे की अपनी हमेशा अहमियत रही है। हमारे जो रिलेशनशिप है अमरीका के साथ, मैं समझता हूँ अच्छे हो सकते हैं, अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अमरीका की बहुत अहमियत है, दुनिया में सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है और अभी भी उनकी इकॉनमी दुनिया की सबसे बड़ी है, शायद चीन आ रहा है ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पर कैपिटल इनकम तो अमरीका की बहुत ज़्यादा है चीन के साथ, तो हमारे जो रिलेशनशिप है अमरीका के साथ हमेशा महदूद रहेगा लेकिन अच्छा हो सकता है। मुबस्सरीन का कहना है कि दो तरफा ताल्लुकात में पाई जाने वाली बदएतमादी को दूर करने के लिए बाहमी राबते जरूरी हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। सेक्रेटरी टिलरसन इस दौरे में क्या मकासद हासिल करना चाहेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे वुड्रो विल्सन सेंटर में जनूबी एशियाई उमूर के माहिर माइकल कुगलमैन से। माइकल, वेलकम टू व्यू 360। सेक्रेटरी टिलरसन वाज इन अफगानिस्तान टुडे, ही वंस अगेन रिएटरेटेड हिज कमिटमेंट टू द अफगान इशू, बट वी हैव आल्सो सीन एन इंक्रीज इन टेररिस्ट एक्टिविटी इन अफगानिस्तान। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ फॉर अमेरिकन डिप्लोमेसी इन दिस केस?
think that whether as a response to stepped up drone strikes in Afghanistan or because there was a meeting in Oman recently to discuss reconciliation prospects with the Taliban is intensifying its fight. It's staging attacks, very spectacular attacks, on military bases in Afghanistan. So that is, it remains the biggest challenge for the United States and Afghanistan, is the security situation. But absolutely, I think that the problem with Trump's Afghanistan strategy is it does not really contain a diplomatic aspect. And I hope that with the top American diplomat in Kabul, there's an ability there for the U.S. to try to present to Afghanistan a sense of what exactly the U.S. intends to do diplomatically in Afghanistan. This is a government in Kabul that really needs diplomatic support from the United States to succeed and survive. So Google Man कहते हैं कि अफगान हुकूमत को तो diplomatic efforts की अमेरिका की तरफ से बहुत जरूरत है, लेकिन सदर ट्रंप की जो अफगानिस्तान के लिए policy है, वो Google Man की नजर में उसमें सिफारतकारी का पहलू वो अहमियत नहीं रखता जो रखनी चाहिए, क्योंकि हालिया दिनों में जो तालिबान की एक्टिविटी में बहुत तेजी देखी गई है, उसकी वजह यह भी हो सकती है कि ड्रोन अटैक्स में इजाफा हुआ है, दूसरा जो ओमान में मीटिंग हुई क्वाड्रिलेटरल ग्रुप की, चार फरीकी ग्रुप की, तो उसका रिस्पांस हो सकती है। बट उम्मीद उनकी यह है गूगल मैन की कि टिलरसन अफगान हुकूमत को यह यकीन दिला सकेंगे कि डिप्लोमेसी इस स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है। एंड हिज नेक्स्ट स्टॉप इज गोइंग टू बी पाकिस्तान, व्हाट शुड बी हिज गोल्स ओवर देयर? Well, I mean, even though this is being described by both sides as a visit to talk about moving forward with the relationship, I believe that Tillerson will probably come with a very strong message, even a warning, that we've already heard from President Trump and Secretary Mattis and others, that the Pakistan needs to do more to crack down against these terror groups that threaten the United States. Mm-hmm. I think that will be one of the major themes. But I think that Tillerson will want to try to build confidence and build trust by discussing issues outside of these difficult, tense issues involving terrorism and sanctuary. So I imagine that there will also be discussion of economic cooperation, and I think that would be a very good thing. All right. So Google Man का कहना है कि Secretary Tillerson की कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान पे एक तरफ तो दबाव डाला जाए कि जो मुबैना ठिकाने हैं दहशतगर्दों के, उनसे उनको खत्म किया जाए, उनको पाकिस्तान से हटाया जाए, लेकिन उसके अलावा उनकी कोशिश ये भी होगी कि कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, ताकि और उसके अलावा इन मुलाकातों में सिर्फ वही इशूज़ ना डिस्कस किए जाएँ जिन पर इख्तलाफ राय है, बल्कि उन बातों को भी सामने लाया जाए जिन पर इत्तफाक राय है, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके। माइकल गूगल मैन, एज ऑलवेज वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट। Thank you. और जनाब, मगरबी अफगानिस्तान में तालिबान के दो गिरोहों के माबेन झड़पों में दर्जनों बागी हलाक हो गए हैं। इस खबर समेत दुनिया भर में रोनमा होने वाले अहम वाकयात की अपडेट के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। और शाम में गैर पेशावर सहाफी किस तरह अपनी जान हथेली पर रखकर जंग की हकीकत दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, ये आप देख सकेंगे कुछ ही देर में। और लाहौर में अंग्रेजों के जमाने का वाटर सप्लाई सिस्टम आज भी किस तरह काम कर रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले चलकर देखते हैं बैन अल-अक़वामी खबरों की झलकियां वर्ल्ड व्यू में। फिलिपाइन की वजारत दिफा ने मरावी में अस्करियत पसंदों के खिलाफ 5 माह तक जारी रहने वाले ऑपरेशन को कामयाब करार देते हुए इसे खत्म करने का ऐलान किया है। आखिरी कार्रवाई में शदीद लड़ाई के दौरान 40 बागियों को हलाक किया गया। इंडोनेशिया के वजीर खारजा का कहना है कि इंडोनेशिया के मिलिट्री चीफ को अमरीका रवानगी से रोकने के इकदाम पर अमरीका से माफी वसूल हो गई है, लेकिन इस पर तफसीली वजाहत का इंतजार है। इंडोनेशिया के मिलिट्री चीफ को अमरीका में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वीजा होने के बावजूद हवाई जहाज पर सवार होने से रोक लिया गया था। अक्वामे मुतहिदा में बांग्लादेश के सफीर शमीम एहसान ने जनेवा में रोहिंग्यास के बारे में होने वाली एक मीटिंग में कहा है कि म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आने वाले रोहिंग्यास की तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई है। उनके मुताबिक म्यांमार की हुकूमत इन पनाहगुजीनों के बांग्लादेशी शहरी होने का मुस्तकिल गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। जापान के शहर टोक्यो के जनूब मगरिब से टकराने वाले लैंडनामी समुद्री तूफान से होने वाली तेज बारिशों, लैंडस्लाइड्स और तेज हवाओं से कम अज़ कम 2 अफराद हलाक और 90 जख्मी हो गए हैं। अमेरिका में पिछले तकरीबन 2 बरसों के दौरान नफरत पर मबनी जराइम में नुमाया इजाफा हुआ है। इंसानी हकूक के इदारों को इस पर तशवीश है, लेकिन वो अकलियतें जिनके खिलाफ ये जराइम हो रहे हैं उनका पैगाम है कि स्प्रेड हमस नॉट हेट, यानी मोहब्बत बांटें। हाल ही में ये मुहिम अराकीन कांग्रेस के दफ्तर तक पहुंची। मजीद तफसीलात सबाशा खान से। हेट क्राइम यानी नफरत पर मबनी जुर्म ऐसा पुरतशद जुर्म है जो रंग, नस्ल, अकीदे जैसे अवामिल की बुनियाद पर किया जाए।
پچھلے سال کی نسبت امریکہ بھر میں ہیٹ کرائمز میں 5% اضافہ ہوا ہے جبکہ امریکہ کے 13 بڑے شہروں میں نفرت پر مبنی جرائم 20% بڑھے ہیں اور یہ ڈیٹا سین برنارڈینو کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی نے پولیس کے اعداد و شمار سے اکٹھا کیا ہے نفرت پر مبنی بڑھتے ہوئے جرائم کو روکنے کے لیے کیپٹل ہل پر ہمس کھاؤ نفرت نہ پھیلاؤ کے نام سے ایک تقریب میں نفرت پر مبنی جرائم کے خلاف قراردادیں پیش کی گئیں یہ تقریب مسلمان اور یہودی تنظیموں کی مشترکہ کوشش تھی کانگریس میں نفرت پر مبنی جرائم کے خلاف جو بل 6 ماہ یا سال بھر سے زیر تجویز پڑے ہیں ہم ان کو پاس کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں ایسا ہی ایک بل کانگریس مین جیمی ریسکن نے ہیٹ کرائم کمیشن کے تحت تحقیقات کر کے حکمت عملی بنانے کے لیے کانگریس کو بھیجا ہے جب آپ کو تارکین وطن اور غیر ملکیوں کے خلاف اظہار کا ایک طرح کا سوشل لائسنس مل جائے تو آپ کو اس کی بدترین مثالیں دیکھنے کو ملیں گی جیسے لوگوں پر حملے نفرت آمیز پیغامات یہاں تک کہ قتل تک یہ ہو رہا ہے جیسا کہ شارلٹسویل اور اوریگون میں ہوا اور ہم نے ایسا ملک کے دوسرے حصوں میں بھی دیکھا ہے صدر ٹرمپ کے الیکشن کے بعد سے تمام ہی اقلیتوں کے خلاف تعصب کے واقعات بڑھ گئے ہیں مسلم جوئش الائنس کے والٹر روبی کا کہنا ہے کہ 2017 میں سب سے زیادہ نفرت پر مبنی جرائم مسلمانوں اور یہودیوں کے خلاف ہوئے کاؤنسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کے مطابق 2017 مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کے اعتبار سے بدترین سال ہے 2016 کے مقابلے میں اس سال ایسے جرائم میں 91% اضافہ ہوا ان میں تعصب ہراساں کرنے اور جانی یا مالی نقصان پہنچانے کے واقعات شامل ہیں The Constitution is under attack. یہ آئین پر حملہ ہے کیونکہ وہ لوگ جو نسل اور دھرتی کو بنیاد بنا کر دعوے کرتے ہیں اصل میں یہ فیشسٹ اصطلاحات ہیں جو ہمارے آئین اور آزادی کے اصولوں کے برخلاف ہیں شرکا کا خیال تھا کہ موجودہ سیاسی ماحول سفید فام نسل پرستوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے میرے خیال میں ان سے زیادہ تر حملے باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیے جاتے ہیں ایسے انتہا پسند نفرت پر مبنی گروپس موجود ہیں جو تشدد کے خواہاں ہیں ہمیں ہر کس ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کا ایک حل شرکا کے خیال میں یہ ہے کہ مسلمان یہودی اور دوسرے مذاہب کے لوگ ایک ساتھ مل کر اس کے خلاف اپنی آواز ایوان نمائندگان تک پہنچائیں تو جہاں ہم دوسرے لوگ مل کر کام کرتے ہیں دوسرے مذہبوں کے ساتھ یہودی ہوں عیسائی ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں جو بھی ہوں ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو اس سے جو ہے ہمیں زیادہ طاقت ملتی ہے شرکا کا خیال تھا کہ نسل پرستی ایک منفی عمل ہے لیکن حالیہ فضا سے ایک مثبت بات جو یقیناً سامنے آئی ہے وہ تمام مذاہب کا ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے اکٹھے ہو جانا اور آج اپنے حقوق کے لیے سیاسی اثر و رسوخ کا شعور ہے روس نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ شام کے شہر رقہ کو داعش سے آزاد کرانے کی لڑائی میں اس نے شہر کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا ہے دوسری جانب روس پر بھی شام کے شہر حلب میں جنگی جرائم کے ارتکاب کا الزام ہے شامی عوام تو نہ صرف داعش بلکہ اسد حکومت اور باغیوں کے درمیان جاری لڑائی میں بھی تقریباً 6 سال سے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں اس جنگ کے حقائق کو دنیا کے سامنے لانے میں غیر پیشہ ور صحافی کتنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اسے ایک دستاویزی فلم میں پیش کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ان سٹیزن جرنلسٹ کو داعش کے خلاف جنگ میں انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا ہے كان لازم نسلط الضوء على مدينتنا ووقتها بالحقيقية بيننا وبين داعش ڈاکومنٹری سٹی آف گروتھ میں خود کو رقہ از بینگ سلاٹرڈ سائلنٹلی کہلانے والے سٹیزن جرنلسٹ کے اس گروپ کے کام کی فلم بینی کی گئی ہے یہ گروپ داعش کی جانب سے خود ساختہ بنائے جانے والے دارالحکومت رقہ میں ہونے والے مظالم کی معلومات انٹرنیٹ پر شائع کرتا ہے Men and women of Raqqa is being slaughtered silently are real journalistic heroes. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی جانب سے سراہا جانے والا یہ گروپ رقہ کے محصور شہریوں کی تنہائی سے پردہ اٹھاتا ہے انا والد المدعو حمود محمد الموسى عبدالعزیز حمزہ رقہ از بینگ سلاٹرڈ کے بانیوں میں سے ایک ہیں رقہ میں پیدا ہونے والے الحمزہ بتاتے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو انہیں اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے کا حوصلہ دیتی ہے Defeating ISIS as a group. داعش کو شکست دینا مسئلے کا حل نہیں ہم داعش کے نظریے کے خلاف لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ISIS کو رقہ شام یا عراق ہی میں نہیں دیکھا بلکہ ہر جگہ دیکھا ہے ہم داعش کو یورپ امریکہ اور ایشیا میں دیکھ رہے ہیں لہٰذا اہم معاملہ اس نظریے کے خلاف کام کرنا ہے میتھیو ہنمین سٹی آف گوتس کے ڈائریکٹر ہیں جنہوں نے اس تنظیم کے انڈر کور اراکین کی ترکی اور جرمنی کے محفوظ مقامات پر عکس بندی کی
في قصف على السعودية كبيرة بريف الطبقة الشمالية مراسلنا موجود لبنان عيسى راح أبعث لك تنشر یہ تحریک کا چہرہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دھمکایا گیا اس وقت ہمارے اس انٹرویو کے دوران بھی ان کے دوست رقہ میں ہیں اور رقہ میں مظالم کی رپورٹنگ کر رہے ہیں حمزہ کہتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ ان کی قسمت میں آگے کیا ہے لیکن داعش کے خلاف جنگ میں وہ اپنی پہچان نہیں چھپائیں گے اپنے چہرے دکھانا ضروری تھا کیونکہ خاص طور پر جب ہم نے اس کا آغاز کیا تو بہت سے لوگ کہنے لگے کہ ہم کوئی سرکاری تنظیم ہیں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم مقامی لوگ ہیں ہم اس شہر سے ہیں فی تحدید حالیا ضدی موجود علی وسائل التواصل الاجتماعی علی قناه تابع لداعش بس دائما احنا نقول بالرقاوی پینلوپی پولو کے ساتھ بردا خلیل اردو وی او اے اندرون لاہور شہر میں انگریز دور میں لگایا گیا پانی کا 132 سال پرانا نظام آج بھی موجود ہے اور اس سے اب بھی علاقے کو پانی فراہم کیا جاتا ہے تو چلتے ہیں لاہور کے علاقے رنگ محل اور دیکھتے ہیں کہ یہ نظام کام کیسے کرتا ہے ہمارے ہفتہ وار سیگمنٹ میڈ ان پاکستان میں ہم جس جگہ پہ ہیں یہ ہے پانی والا تالاب جسے واٹر ورکس بھی کہا جاتا ہے اور لارڈ ایچیسن نے 1833 میں اس کی بنیاد رکھی تھی اسے یہاں پہ بلڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس میں پورے اندرون شہر کو جسے کہ وال سٹی کہا جاتا ہے اس میں واٹر کی سپلائی ملا کرتی تھی اس میں ٹوٹل جو ہے چار ٹینکس ہیں جن میں 2.5 لاکھ کی کیپیسٹی ہے ایک ٹینک میں ٹوٹل 10 لاکھ گیلن پانی جو ہے وہ اس اندرونی شہر کو ملا کرتا ہے ایک ٹینک تھلے 128 پلر ہیں اور چار دربے 128 دربے چار 512 پلر ہیں ٹوٹل سال تو پلر سے کھڑا ہے 400 ایئرز بیک ریور راوی جو ہے ان ہمارے وال سٹی کے ساتھ ساتھ اس اندرون شہر کے گیٹوں کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا جیسے کہ شیرا والا گیٹ ہے کشمیری گیٹ ہے اور مستی گیٹ ہے اور روشنائی گیٹ ان گیٹ کے ساتھ ساتھ لاہور فورٹ کے ساتھ ساتھ یہ ریور راوی چلتا تھا مغلیہ دور میں یہ تھا کہ ریور راوی سے جو کہ ویلز نکالے ہوئے تھے ان میں سے واٹر کی سپلائی ملا کرتی تھی اور لارڈ ایچیسن نے اسے اس لیے یہاں پہ بنایا تھا کہ یہ کافی ہائٹ پہ ہے یہ جگہ جو ہے اور اس کا ٹوٹل جو ایریا ہے وہ 6 کینال ہے اسٹارٹ تھا وہ بادامی باغ سے پمپس کے ذریعے اس میں واٹر کی سپلائی کرتی تھی چار ٹوبر لگے ہوئے ہیں مستی گیٹ ایک علی پارک اور تیسرا شاہی قلعہ اور چوتھا اقبال پارک چار ٹوبروں کا پانی انہیں جا اکٹھا ہوتا ہے جمع ہو کے اسٹور کر کے پھر اسی جب پورے 12 فٹ کا لیول ہو جاتا ہے نا ادو ہی سپلائی کھول دیں صبح 5 بجے سپلائی کھولی تھی 8 بجے تک 3 گھنٹے سپلائی دی تھی اس کے بعد شام کو پھر 5 بجے کھول کے رات 8 بجے تک سپلائی دی تھی چار ٹینک کا یہ لیول ہے ہر ٹینک کا یہی لیول ہے یہ پانی ہمیں بتاتا ہے کہ کتنا پانی ہے ابھی ہمارے پاس 8 فٹ 8 انچ پانی ہو گیا ہے ابھی جب ہمارے پاس 12 پہ آئے گی سوئی تو ہم ڈائریکٹ پانی کھول دیں گے سپلائی صاف پانی اچھا پانی پائپ لائنیں جو لگی ہیں یہ انگریز کے ٹائم کی بنی ہوئی ہیں جس طرح انگریز بنا گیا اس طرح چلتا ہے جو بنا گیا ٹھیک بنا گیا اگر اچھا کر گیا اور وہی نظام چلتا ہے وہی سسٹم پہلے پانی جو ہے نا اسٹور رکھی تھا کہ تقریباً صبح بھی بھری شام بھی بھری ہمارے سیگمنٹ میڈ ان پاکستان میں ہم آپ کے لیے متاثر کن اور دلچسپ کہانیاں لے کر آتے ہیں اگر آپ بھی کوئی ایسی کہانی جانتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر ایڈریس ہے facebook.com/voaurdu اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @urduvoa اب سارا زمان کو اجازت دیجیے خدا حافظ